हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अंडर 2.5 गोल्स को फॉलो कर सकते हो और इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसे फॉलो करते हैं, ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, कब काम में आता है, ये भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ एक मैच चल रहा है फुटबॉल का, लियोन और CF अमेरिका के बीच में। दोनों का एक एक गोल हो चुका है, मतलब टोटल गोल 2 हो चुके हैं। तो अभी अपन यूज़ करेंगे अंडर 2.5 गोल्स, मतलब तीसरा गोल आएगा तो लॉस हो जाएगा और 2 ही गोल रहे, यानी कि ड्रॉ हुआ 1-1 पे और वो 2 के अंदर होगा, 2.5 के अंदर होगा, तो उस पर अपन को लॉस नहीं होगा। तो कैसे फॉलो करना है, जैसे अपन को किसी भी टीम पे लगाना है, लियोन पे या CF पे, जिसका भी गोल आएगा तो मैं CF पे लगा देता हूँ। 1 के लगा दिया मैंने CF पे, आप देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रही है। और अभी तक भी गाइस आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ आपको फुटबॉल के, टेनिस के फ्री टिप्स मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो बैट लग चुका है यहाँ CF अमेरिका पर, 1 के लगा दिया है। अब देख सकते हो गाइस, अगर ये मैच 1-1 पे ख़त्म हो गया, मतलब दोनों का गोल 1-1 है, तो 1-1 पे ख़त्म हो गया तो अपना ड्रॉ जाएगा, ड्रॉ पे 1K का लॉस हो जाएगा। तो ये 1K का लॉस ना हो इसीलिए अपन अंडर 2.5 गोल्स को फॉलो कर लेंगे। यहाँ देख सकते हो यहाँ आपका रेट बहुत अच्छा है, तो अपना थोड़ा सा लॉस तो होगा। अगर अपना CF अमेरिका का गोल हो गया तो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा अपना, लेकिन CF अमेरिका का गोल हो जाएगा तो अपना बुक सेट भी हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर ये मैच 1-1 पे ख़त्म हो गया तब अपने काम आता है अंडर 2.5 गोल्स। तो यहाँ अपन अंडर 2.5 गोल्स को प्लस करने के लिए ओवर 2.5 गोल्स को ले कर देंगे, यहाँ से और 1K से इसी को ले करेंगे। जो अमाउंट अपन वहाँ लगाते हैं, जो जैसे लॉस होने का 1K है, आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वही यहाँ ले करते हैं। सेम टू सेम अमाउंट होना चाहिए दोनों तरफ। यहाँ जो लॉस का अमाउंट होता है ना मैच में, उसके बराबर ही अपन को, जैसे अंडर 0.5 है या अंडर 2.5 है, वो दोनों सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, ताकि इससे यह है कि जैसे 1-1 पे मैच ख़त्म हो गया तो यहाँ ड्रॉ पर तो लॉस हो जाएगा लेकिन यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट इसीलिए बोलता हूँ मैं बार बार वीडियोस में, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और भी मेरे काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, और फुटबॉल के, टेनिस के टिप्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।